नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ऐसी शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे जिससे ऐसे सीरीज वाले पर्सन हम बिना पेन व पेपर की सहायता से निकाल सकते हैं। दोस्तों, सीरीज चाहे मल्टीप्लाई में दे रखी हो या डिवाइड में या प्लस माइनस या फिर पावर्स में दे रखी हो, हम बिना पेन व पेपर की सहायता से देखते ही ऐसे प्रश्नों के आंसर बता देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई वाली सीरीज को सोल्व करेंगे। हमें दे रखा है रूट ए इंटू रूट ए और ये कहाँ तक है? अनंत तक है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे? दोस्तों, जब ऐसी कंडीशन दे रखी हो तो इसका मान हमेशा ए होता है। जब सीरीज अनंत तक हो और रूट ए हो तो इसका मान हमेशा ए होता है। लेकिन ये होता कैसे है? सपोज इस पूरी इक्वेशन का मान है एक्स, इस पूरी इक्वेशन का मान कितना है? एक्स है। तो दोस्तों, ये सीरीज है वो अनंत तक है और अनंत में से हम एक माइनस कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन इस वाले रूट ए से अगर स्टार्ट करेंगे इसको, इस पूरी इक्वेशन का मान एक्स है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इसका मान भी एक्स ही होगा, क्योंकि ये अनंत तक है। अनंत में से ये वाला माइनस कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ऊपर से आ जाएगा रूट ए और फिर इसका मान इस टोटल का मान एक्स है तो इसका मान भी कितना होगा? एक्स ही होगा। तो रूट यहाँ पर ए एक्स हो जाएगा और बराबर क्या है? एक्स जो हमने माना है। अब क्या करेंगे? रूट हटाएंगे तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए इंटू एक्स और इधर एक्स का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स से ये वाला एक्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स इजिक्वल टू हो जाएगा ए। मैंने आपको बताया भी था कि इसमें इसका मान कितना होता है? हमेशा ए होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा इसका मान ए होगा। तो यहाँ पर हमें दे रखा है रूट फाइव और कहाँ तक है? अनंत तक है। तो इसका मान कितना होगा? फाइव होगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, जब हमें रूट में पी दे रखा हो, पी और फिर दोबारा रूट में क्या दे रखा हो? पी स्क्वायर। यहाँ पर दे रखा हो पी और फिर आगे दे रखा हो पी स्क्वायर और उसके यहाँ पर क्या हो? रूट हो और यहाँ पर क्या हो? रूट के थ्री हो। इसका मतलब होता है 1/3। दोस्तों, रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और यहाँ पर अगर 3 दे रखा हो तो इसका मान होता है पावर 1/3। अगर 4 दे रखा है तो 1/4। तो यहाँ पर आपको रूट दे रखा हो पी, फिर दे रखा हो पी स्क्वायर और यहाँ पर दे रखा हो 3। इसका मतलब तो 2 ही होता है दोस्तों यहाँ पर, और इसका मान मतलब होता है 3, पावर 1/3। तो ऐसी सिचुएशन में भी दोस्तों मान हमेशा पी होता है। कैसे होता है? जैसे अपन इसका मान मानते हैं एक्स, सपोज इसका मान है एक्स, तो जैसे ऊपर किया था ये अनंत तक है तो इसमें इसका रिपीटेशन हो रहा है, इसका रिपीटेशन हो रहा है। जैसे ऊपर ए का रिपीटेशन हो रहा था वहाँ पर इन दोनों का रिपीटेशन हो रहा है। तो ये अनंत तक है तो इसका मान एक्स है। तो जैसे ऊपर किया था सेम वैसा ही करेंगे। क्या दे रखा है? पी और अंदर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 3 और पी स्क्वायर। फिर वापस इसी का रिपीटेशन हो रहा है, अनंत में से माइनस कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इसका मान भी एक्स ही होगा। और आगे दे रखा है एक्स, तो रूट हटाएंगे तो करेंगे स्क्वायर, तो अंदर बचेगा इसका रूट हट जाएगा पी और 3 पी स्क्वायर एक्स और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब क्या है? यहाँ पर 1/3 है तो इसके हटाने के लिए क्या करेंगे? क्यूब करेंगे इसका। तो यहाँ से हो जाएगा क्यूब करेंगे तो हो जाएगा पी का क्यूब और ये हट जाएगा तो इधर आ जाएगा पी स्क्वायर एक्स। तो इधर एक्स स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा एक्स की पावर 6। एक्स से काटेंगे तो यहाँ पर बचेगा 5। तो यहाँ पर आधार बराबर तो घाते जुड़ जाएंगे तो पी की पावर 3 है, पी की पावर 2 तो हो जाएगा पी की पावर 3+2 हो जाएगा 5 और यहाँ पर एक्स की पावर 5। और जब घाते बराबर हो तो आधार बराबर होंगे तो एक्स इजिक्वल टू हो जाएगा पी। तो यहाँ पर इसका मान हमने कितना माना था? एक्स। तो एक्स बराबर कितना आएगा? पी। तो ऐसी सिचुएशन में मान हमेशा कितना होता है दोस्तों? पी होता है। कब होता है? जब यहाँ पर रूट दे रखा हो पी और अंदर दे रखा हो पी स्क्वायर और यहाँ पर हो पावर 1/3। जैसे यहाँ पर दे रखा है दोस्तों रूट में 3 और इसका दे रखा है स्क्वायर। यहाँ पर इसका मतलब तो होता है पावर 1/2 और इसका मतलब होता है पावर 1/3। तो इसमें हमेशा मान कितना होता है? पी यानी 3 होगा इसका मान, जैसे मैंने ऊपर बताया था। सेम ऐसे पर्सन दूसरा इसमें दे रखा है 2, अंदर दे रखा है इसका स्क्वायर, सेम वही कंडीशन है तो इसका मान होगा 2। अब है दोस्तों, जब सीरीज अनंत तक नहीं हो, इसमें जो इसके टर्म्स है वो निश्चित हो, तो यहाँ पर दे रखा रूट ए, ये अनंत तक नहीं है,
इसमें कितने? तीन ही रूट हैं, और हमें पता है कि रूट का मतलब होता है पावर 1/2, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो इसमें दोस्तों शॉर्ट ट्रिक ये है कि इसमें कितने रूट हैं, एक दो तीन, तीन रूट है, तो क्या करेंगे, दो की पावर तीन निकाल लेंगे, जितने रूट हो उतने दो की पावर निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, एट। तो इसका आंसर होता है दोस्तों, यहाँ पर अंदर क्या दे रखा है, ए, ए की पावर, एट में से माइनस वन करते हमेशा, तो सेवन और बटे में एट, इसका मान होगा ए की पावर 7/8। यहाँ पर रूट कितने दे रखे हैं, तीन, तो दो की पावर तीन निकालेंगे, उसमें से एक माइनस करके ऊपर रखेंगे और एट रखेंगे नीचे। जैसे यहाँ पर रूट सिक्स, रूट सिक्स, रूट सिक्स दे रखा, रूट सिक्स टोटल कितने हैं, चार हैं, तो क्या करेंगे, दो की पावर फोर निकालेंगे, कितना होता है 16, तो इसमें से एक माइनस करके ऊपर रखेंगे तो हो जाएगा 6 की पावर 15 और बटे में आ जाएगा 16, ये इसका आंसर होगा दोस्तों। अब है दोस्तों, जब सीरीज हमें डिवाइड में दे रखी हो तो इसका मान कैसे निकालेंगे, सीरीज अनंत तक है तो सपोज इसका मान कितना है एक्स, और अनंत में से एक माइनस कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट ए और डिवाइड, इसका मान कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स, तो रूट को उठाएंगे तो स्क्वायर करेंगे तो इधर ए डिवाइड एक्स इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो आ जाएगा इसमें ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा ए, हमें निकालना क्या है, एक्स निकालना है, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए की पावर 1/3, इधर का जो क्यूब है वो इधर आएगा तो पावर 1/3 हो जाएगी, यानी इसमें जो मान क्या होता है, एक्स बराबर होगा ए की पावर 1/3। यहाँ पर आपको जो ए दे रखा है इसका क्यूब रूट आपको निकालना है, वही सीरीज का मान होगा, तो जैसे √27 / √27 कहाँ तक है, अनंत तक है, तो यहाँ पर इसका मान क्या होगा, ए की पावर 1/3, ए यहाँ पर कितना है 27, और उसका क्यूब रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3, इसका मान होगा दोस्तों 3। अगला पॉइंट है दोस्तों, जब सीरीज हमें पावर में दे रखी हो, रूट एक्स उसकी पावर रूट एक्स उसकी पावर रूट एक्स और कहाँ तक है, अनंत तक, इसका मान हमें दे रखा है 36, तो हमसे मान पूछा है एक्स का मान क्या होगा, तो दोस्तों इसमें देखो अनंत तक दे रखा है और अनंत में से एक माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रूट एक्स और ऊपर क्या है, रूट एक्स, रूट एक्स, इसका मान कितना है 36, तो ऊपर भी मान कितना होगा 36 ही होगा, क्योंकि अनंत में से एक माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसके बराबर कितना दे रखा है 36। अब दोस्तों रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो यहाँ पर एक्स की पावर ऊपर दे रखा है 36 और रूट का मतलब होता है पावर 1/2, इधर क्या है 36, तो यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 2, 36 को 6 की पावर 2 में लिख सकते हैं, तो इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स की पावर 18, इधर हो जाएगा 6 की पावर 2। दोस्तों जब आधार बराबर हों तो उसके पावर्स भी बराबर होते हैं, और जब पावर्स बराबर हों तो उसके आधार बराबर होते हैं, यहाँ पर एक्स की पावर है 18, यहाँ पर है 6 की पावर 2, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पावर्स को बराबर करेंगे, यहाँ पर पावर कितनी है 18, तो इसको भी 18 करने के लिए क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, इसको 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इस क्या हो जाए, इसके पावर हो जाए 18, तो इधर भी क्या 18, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स की पावर 18 और इधर भी हो जाएगा 6 की पावर 18 और अपॉन में क्या है 9, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, अब इसको 6 को लिखेंगे, 6 की पावर यहाँ पर √9 और उसकी पावर कितनी है 18 और इधर है एक्स की पावर 18, तो यहाँ पर एक्स की पावर 18, यहाँ पर भी क्या है एक्स की पावर 18, जब पावर्स बराबर हो तो इसके आधार क्या होंगे, बराबर होंगे, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 की पावर 1/9, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 6 की पावर 1/9, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6√9, ये इसका आंसर हो गया। अब दोस्तों जब सीरीज हमें प्लस व माइनस में दे रखी हो तो इसके दो तरीके होते हैं दोस्तों करने के, पहला तरीका तो ये है कि जब आपको रूट में जो वैल्यू दे रखी है उसके आप फैक्टर करो, अगर इसके फैक्टर कोई दो क्रमागत संख्या या जो कंसेक्यूटिव नंबर हो सकते हैं तो इसका आंसर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पर क्या है √56 + √56 और कहाँ तक है, अनंत तक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 56
56 के फैक्टर करेंगे, दो लगातार संख्याएं, तो क्या होते हैं 8 × 7। आप 56 के फैक्टर करो तो हो जाएंगे 8 × 7, दो लगातार संख्याएं होनी चाहिए। अगर दो लगातार संख्याएं हो सकती हैं, अगर यहाँ पर प्लस है तो इसका मान तो होगा ज़्यादा वाला, तो इसका मान आएगा 8। यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पर प्लस है इसलिए इसका मान क्या होगा ज़्यादा वाला 8 होगा। अगर सपोज यहाँ पर माइनस होता तो इसका मान होता कम वाला 7 होता। जैसे दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर है √90 − √90 कहाँ तक है, अनंत तक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 90 के फैक्टर करेंगे, तो 90 के फैक्टर दो क्रमागत संख्या में क्या हो गए 10 × 9, 10 × 9 कितना होता है 90 होता है। अगर यहाँ पर प्लस होता तो इसका मान होता ज़्यादा वाला, यहाँ पर क्या है माइनस तो इसका मान होगा कम वाला, तो माइनस है तो इसका मान कितना होगा 9 होगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, जब दी गई संख्या को दो क्रमागत संख्याओं में प्रदर्शित नहीं कर सकते, जैसे 3 है तो 3 को हम दो क्रमागत संख्याओं के रूप में नहीं लिख सकते, जैसा हमने इससे पहले वाले प्रश्न में किया था। जैसे 90 को हमने लिखा था 10 × 9, तो ऐसे हम 3 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या करेंगे, इसका एक शॉर्टकट है, √1 + 4a + − 1/2। दोस्तों ये इसका शॉर्टकट है। यहाँ पर ए है जो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है वो, अगर ये प्लस है तब तो यहाँ पर प्लस का 1 आएगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस का 1 आएगा, ए यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो आएगा। तो यहाँ पर √1 + 4a, ए बराबर कितना है 3, तो 4 × 3 हो जाएगा 12 है। बाद में क्या है प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1/2। तो दोस्तों इसका मान हो जाएगा √13 + 1/2। तो दोस्तों इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।